प्रभारी होने के नाते मैं जब पूरे आसाम में मैं घूमा तो मुझे मालूम पड़ा कि जो NRC की जो प्रक्रिया चल रही है, इस प्रक्रिया में जो जिन लोगों का नाम काटा गया है वो सारे के सारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं। इनके ऊपर खासकर धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, बेसिकली बंगाली बिहारी ये लोग हैं, भाषा के आधार पर इनके नामों को काटने का काम किया गया। यहाँ तक कि इसका प्रमाण मैं आपको बताता हूँ, राजवंशी जो लोग हैं, कोच राजवंशी आसाम के मूल हैं, वो भी मूल है और उनका राजवंश रहा है, उनका नाम तो काटने का सवाल ही नहीं है। जो ड्राफ्ट में तैयार किया गया था उसमें कि वहाँ के मूल लोगों का जो पहले से ही है आसमीज भाषा बोलते हैं उनका नाम आना चाहिए, लेकिन उनका टाइटल जो है वो रॉय है, विश्वास है, सरकार है, जो बंगालियों में मिलता है, केवल टाइटल उनको देकर उनका नाम काटा गया है। ये कितने बड़े पैमाने पर जो है ये डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर हुआ है। और बहुत सारे जो लोग हैं, मैक्सिमम लोगों के पास डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट होने के बाद भी उनके डॉक्यूमेंट को देखा नहीं गया और देखा भी तो दरकिनार कर दिया गया। पिताजी है, उनके बच्चे का नाम नहीं है, दो बच्चे का नाम है तो एक बच्चे का नाम नहीं है। बाप यदि भारत का नागरिक है तो उनके बच्चे भारत का विदेशी कैसे हो सकता है। और महिलाएं जो है वो 21 साल की उम्र में पहले वोट देने का अधिकार हुआ करता था और उनके पास कोई भी पिता के लिंक करने वाला कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, ना वो स्कूल जाती थी तो स्कूल के कोई साथ कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, ना उस समय बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का प्रचलन था और 21 के पहले उनकी शादियां हो जाती थी तो वो सारे के सारे शादी के बाद अपने पति के घर पर चले जाते थे और 21 साल के बाद जब वोटर लिस्ट बनता था तो वो वोटर लिस्ट में पति के साथ नाम उनका आता था। इसके कारण मैक्सिमम महिलाओं का जो नाम है उनके पिता के साथ लिंक नहीं होने के कारण, और ये सारे महिलाएं भारतवर्ष की हैं। इस तरह से जो है बड़े पैमाने पर वो NRC में धांधली किया गया है। अभी जैसे बहुत सारे लोग जो बांग्लादेश से आए, बंगाली लोग 1971 के पहले, तो वहाँ जब आए यहाँ तो उनके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, सिटीजन सर्टिफिकेट है, जो भारत सरकार ने सिटीजन सर्टिफिकेट जारी किया कि आप भारतवर्ष में आ गए, आपको सिटीजन सर्टिफिकेट दिया जाता है, आप सिटीजन हो, और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फॉरेन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है उनको भी मिला हुआ है, 71 के पहले है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका नाम जो है NRC में नहीं है। तो ये कितने बड़े पैमाने पर धोखेबाजी है, जिनके पास डॉक्यूमेंट है उनके पास भी नहीं है। तीसरी बात, भाषाई आधार पर बंगाली भगाओ और बिहारी भगाओ आंदोलन, हिंदी भाषी भगाओ आंदोलन चला था आसाम में बड़े पैमाने पर 79 से लेकर 81 तक और उस 84 तक, उसमें बहुत सारे घर लोगों के जला दिए गए थे और उस घर में उनके सारे डॉक्यूमेंट जल गए थे। अब वो उनके सारे डॉक्यूमेंट जल गए तो वो डॉक्यूमेंट कहाँ से सबमिट करें। इस आधार पर बहुत सारा जो है उनका नाम कट गया। बहुत सारे गांव जो है, बहुत सारे जिले बाढ़ग्रस्त जिले, इस बार इस साल आसाम में 33 जिलों में से लगभग 27 जिलों में बाढ़ आई थी और बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां 3-3 महीना, 4-4 महीना, 5-5 महीना बाढ़ के पानियां रहती है, बहुत सालों से बाढ़ आती आ रही है। उन बाढ़ों में बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट भी जो है वो बह गए बाढ़ में, तो वो कहाँ से डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। केवल डॉक्यूमेंट के आधार पर यदि किसी की नागरिकता को आधार, यदि मान लीजिए मैं भारतवर्ष का नागरिक हूँ और मेरे पिताजी बहुत सालों से भारतवर्ष में रहते आ रहे हैं, परदादा रहते आ रहे हैं और मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या वो भारत के नागरिक नहीं होंगे? ये मेरा सवाल है सुप्रीम कोर्ट से। वो बाई बॉर्न नहीं, यहाँ के नागरिक है, मेरे दादा परदादा रह रहे हैं और मान लीजिए मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट आग लग गई या बाढ़ में दह गया, नहीं है डॉक्यूमेंट, तो क्या मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ? तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी है कि वहाँ जाकर उसको छानबीन करे कि ये लोग वास्तव में नागरिक है या नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है एक और, कि सरकार के पास हर व्यक्ति की पूरी डिटेल रहती है, सरकार के पास जो डिटेल रहती है, मानते हैं आपकी जो डिटेल है वो चल गई पानी रह गई, सरकार के पास डाटा है ना, सरकार प्रूव करे ना उस चीज को। सरकार के पास भी डाटा नहीं है, नहीं है। 51 में NRC हुआ और 71 के पहले वोटर लिस्ट बना और वोट देते समय लोगों के पास वोट का पर्चा भी उस समय था, सरकार ने दिया होगा उस समय कि आपका मतदान में इतने नंबर पर लिस्ट है, ये मतदान का लिस्ट आपको दे रहे। जनता के पास वो वोटर लिस्ट है, NRC का लिस्ट है, लेकिन सरकार के पास NRC का लिस्ट और वोटर लिस्ट नहीं है बहुत सारे इलाकों के।
और बहुत सारे इलाकों के नहीं होने के कारण उनका नाम जो है उनका नाम काट दिया गया। अच्छा, जबकि वोटर लिस्ट उनके पास पहले से ही है, उनका उस समय जो कागज़ दिया गया था NRC का और वोट वो जनता के पास है, लेकिन बोला है सरकार क्या कर रही है, मेरे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, आपका रिकॉर्ड लेकर हम क्या करेंगे। अगर कल को सरकार आपको साबित कर देती है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठ है तो आप क्या करें? नहीं कर सकते। क्यों, कैसे, क्यों नहीं कर सकते? आप जाकर देखिए ना, वहाँ पर उनके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है और उनके पास बहुत सारा जो सरकार ने वहाँ पर 71 के पहले बहुत सारे लैंड हज़ार एकड़ लैंड देकर जमा उनको बसाया, लेकिन किसी के नाम पर लैंड जारी नहीं किया उन लोगों ने। वो ऐसे 1,000 एकड़ दे दिया और उसमें बहुत सारे परिवारों को बसा दिया, लेकिन 71 का कोई डॉक्यूमेंट उनको दिया नहीं, तो क्या वो भारत के नागरिक नहीं है? वो तो भारत के नागरिक है। तो इस तरह का बहुत बड़े धोखेबाजी सरकार के तरफ से भी अभी की सरकार भी कर रही है और पूर्व की सरकार भी करती आई है, तो ये बहुत बड़ा धोखेबाजी है। और उसमें जो 19 लाख लोग जो चले गए हैं, जिसको ये हमारे अमित शाह जी कहते हैं कि ये सारे घुसपैठी है, ये गलत बोल रहे हैं। ये दिल्ली की गद्दी पर बैठकर बोलना बहुत आसान है, लेकिन वहाँ पर जाकर बोलिए तब समझ में आएगा। गांव-गांव में जाकर घूमिए, उसके बाद समझ में आएगा कि ये कौन लोग हैं। ये सारे के सारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं और भारत के मूल बासिंदा हैं। ये हमारा कहना है और इसके लिए हम लोग ये आज के जंतर मंतर पर आए हुए हैं और इस पर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और राष्ट्रपति को ज्ञापन भी देने वाले हैं। लास्ट सवाल होगा कि जिस तरह से वहाँ पर अभी बाढ़ आई, बहुत लोगों लाखों लोगों के घर से डॉक्यूमेंट चले गए, और सरकार सरकार केवल उस गांव में जाए ना, ईमानदारी से कोई रिप्रेजेंटेटिव जाए उनके गांव में और उनके गांव में मुखिया होगा, गांव बूढ़ा होगा, जो लोग होंगे उनके पास तो रिकॉर्ड है ना कि नहीं, ये हमारे ये जो गांव में इतने लोग रह रहे हैं, ये मैं 65 में स्कूल में मैट्रिक पास किया और मेरे साथ ये आदमी जो पढ़ा है ये भी 65 में मैट्रिक पास किया, या इसके पास वो फेल हो गया इसलिए उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन है तो भारत का नागरिक, वो तो प्रमाण दे सकते हैं ना, लेकिन ऐसा तो कर नहीं रहे। अंग्रेज जब किसी के पास याचिका आता था तो अंग्रेज उस गांव में जाती थी, छानबीन करती थी, उसके बाद निर्णय देती थी। ये सिस्टम आज के तारीख में भारतवर्ष में खत्म हो गया, इसके कारण ये सारी समस्या है। वो केवल अपने टेबल पर बैठकर और अपने कुर्सी पर बैठकर फैसला कर रही है, न्याय नहीं कर रही है, निर्णय कर रही है। देखिए, ये जो NRC का मुद्दा है ये आज का नहीं है, आज का जो डेट है ये NRC बोल रहा है, ये एक्चुअली सभी को याद है, सभी को पता है 1983 में एक आंदोलन हुआ था असम में, जो आंदोलन के जरिए से असम में जो अदर स्टेट से जो एंट्री हुआ था, जैसे कि मान लीजिए बिहार, वेस्ट बंगाल, UP, ऐसे कुछ स्टेट से जो लोग गए थे, हिंदी भाषी और बंगाली भाषी या दूसरा कोई हो, मराठी, पंजाबी, कोई भी हो, तो उन लोगों को भगाने के लिए एक आंदोलन किया था। वो असम का कुछ ब्राह्मीणवाद संगठन है और असम का कुछ सरकार है, वो सरकार ने ये आंदोलन शुरू किया था इन लोग को भगाओ। वो भगाने के तरीका था कि इन लोग को घर सब जला दिया, मारा पीटा काटा, बहुत लाखों लोगों को उन लोग गर्दन काट दिया है। तो उसी तरह का से जो सरकार की कंट्रोल में फिर आ गया कि ऐसे वो अन्याय हो नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग कानून को हाथ नहीं लग सकते, तो कानून इसमें बहुत बड़ा दायित्व लिया था, तो उसी वजह से वो आंदोलन बंद होकर के उसी को रूप लेकर के आज जो ये NRC है, मतलब वो जो भगाने के काम आज वो प्रोसेस में आ गया है। NRC अब वो तलवार से नहीं, वो कलम से काट रहा है। जब वो हमको गले में काट नहीं सका तो वो कलम में लिख करके दे रहा है कि आप वो ये भारत का नागरिक नहीं हो, ऐसा है। तो मैं यही आप लोगों को जाना मैंने बोलना चाहता हूँ, जो NRC है एक्चुअली ये NRC नहीं, ये जो भारत का रहने वाला ओरिजिनल जो लोग हैं आसाम से, उन लोग को भगाने के लिए ये एक प्रोसेस चल रहा है। देखिए, ये जो NRC था, NRC का पहले हमारे जो पूर्वज थे, बांग्लादेश और पाकिस्तान जब डिवाइड हुआ था, तो उसी समय एक कानून बना था कि ये लोग इधर से अगर इधर पाकिस्तान जाएंगे या बांग्लादेश में कोई आ सकेंगे, वो उनको रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उसको माइग्रेशन कर। माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि उनको इधर ला करके, बांग्लादेश से ला करके इधर रखेंगे, उनको ज़मीन देंगे, उनको कुछ काम के लिए कुछ जगह देंगे, पर आसाम गवर्नमेंट की ऑफिस की कार्यालय में या कुछ डॉक्यूमेंट में उन लोग का नाम एंट्री नहीं है, पर हमारा पास में वो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है।
हम जो माइग्रेशन होकर के आया है, मेरा दादाजी पूर्व दादाजी उनका पास में डॉक्यूमेंट है, पर असम सरकार का हाथ में ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट एंट्री नहीं है, क्योंकि उन लोग असम सरकार ने हम लोग को कुछ माइग्रेशन किया ही नहीं, उन लोग के पास में ये डाटा अवेलेबल नहीं है। और हमारे जो वोट देने का अधिकार था 1971 में हमारा वोट दिया है, हमारा दादाजी पूर्व दादाजी और पिताजी भी वोट दिया है, वोट का लिस्ट मेरा हाथ में है, पर असम जो असम का गवर्नमेंट है उनका हाथ में ये लिस्ट नहीं है। अभी बोल रहे हैं कि आपका लिस्ट तो हमारे पास नहीं है, आप बाहर का रहने वाला हो, आप जाओ, आप पाकिस्तान का हो, आप बांग्लादेश का हो, आप इधर रह नहीं पाओगे। तो इसी कारण हमारे बहुत सारे लोगों के नाम वहाँ से काट गए। और एक बात है कि देखिए, आज से मान लीजिए मेरा मम्मी का जो उम्र है 50 ईयर्स मतलब वो 30 ईयर्स एगो आगे जाने से मेरा मम्मी का वो पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उनका कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था, उनका शादी हो गया वो बाल्य विवाह जो कहते थे 12-13 साल में, तो 13 साल में जब शादी होता है तब तो वोट देने का कोई बात ही नहीं होता है। जब वो 21-22 साल का हो गया तब उनका वोट में नाम देने का समय आ गया, जब समय आ गया तो अपना मेरा पिताजी का नाम दे करके वोट में नाम आ गया उनका। और अभी जो NRC है उसमें मांग रहा है कि आपका जो पिताजी है पिताजी का लिंक डॉक्यूमेंट दिखाओ, मेरा पिताजी के साथ में कोई मतलब मेरा मम्मी का जो डैडी है उनका साथ में कोई लिंक नहीं है, क्योंकि वो बचपन में शादी हो गया, स्कूल में नहीं गया, उसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो उनका कैसे लिंक रहेगा। अभी उसी आधार पर हम लोग का हमारा जो बहन और माँ है उन लोग को बांग्लादेशी बना दिया है, उन लोग को विदेशी बना दिया है, ये एक बात हो गया। दूसरा ये कि वो जो डिटेंशन कैंप बना के रखा है आसाम में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और मेरे माँ की समान मेरे पिताजी के मैंने मेरा भाई ऐसे लोग हैं जिनको विदेशी बोल के उन लोगों ने डिटेंशन कैंप में डाल दिया था। मान लीजिए कि मेरा नाम गोपाल सरकार है तो कोई मुझे गोपाल नहीं गणेश भाई भी बोल सकता है, क्योंकि निक नेम अनेक बहुत सारा होता है, एक आदमी का 3-4 नाम होता है, तो उसी नाम पे मेरा एक ID होता है, वो ID पे वो लोग फॉलो नहीं करता है। ऐसा कोई मतलब षड्यंत्र कर ऑफिस में बैठा हुआ है, दलाल लोग बैठा हुआ है, वो लोग क्या करता है मेरा जो निक नेम है वो नेम पे एक नोटिस डाल देता है कि ये जो गोपाल सरकार है, गोपाल सरकार नहीं ये गणेश सरकार है, इनका ऊपर में कार्रवाई होना चाहिए, ये शायद वो बांग्लादेश या कहीं से आया है, तो उनका ऊपर में कार्रवाई शुरू होने के बाद क्या होता है वो जो ट्राइब्यूनल कोर्ट का जो सिस्टम है वो सिस्टम में क्या करता है उनको नोटिस भेजता है। नोटिस भेजने के बाद वो नोटिस मेरे पास में आता ही नहीं है, नहीं आने के बाद जैसे वो लोग खुद रिसीव कर देता है कि ये आपका नाम पे नोटिस रिसीव हुआ। एक बार दो बार तीन बार अगर कोर्ट में नहीं गया हमको नोटिस मिला ही नहीं तो हम कैसे जाएगा। तो वो नहीं जाने के वजह से क्या होता है उसको एक्सपर्ट ही कर देता है, जब बोलता है कि ये आदमी फॉरेनर है, एक तरफा विचार होता है कि ये फॉरेनर है, तो बाद में एक दिन हाँ ऐसा बहुत सारा प्रूफ है हमारे पास, जैसे कि आप वो रिकॉर्ड लीजिए असम से, जो आप लोग का कितना आदमी अभी तक डिटेंशन में गया हुआ है, और अपना वो जब सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जब आवेदन किया, जब मैं भारत का रहने वाला हूँ मेरे पास में ये सारा डॉक्यूमेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने उसे राय दे दिया कि आप इंडियन सिटीजन हो, आपके पास में सारा डॉक्यूमेंट है, पर उधर का जो ट्राइब्यूनल कोर्ट है ये मानता नहीं है, और उधर का जो बॉर्डर पुलिस है बॉर्डर ब्रांच है ये भी गद्दारी कर रहा है, वो भी सारा से सारा वो जो आपका हिंदुत्ववादी वो संगठन है उधर वो लोग बैठा है, और सारा ये जो हमारे दलित लोग है इनको ऐसा करके भगाने के काम कर रहे हैं, उसको कैसे लूटपाट किया जाए। जाएंगे तो कहाँ जाएंगे अगर फिर बाद में? वही आप लोगों की माध्यम से मैं यही बोलना चाहता हूँ सरकार को, अगर इनका इतना ही शौक है विदेशी को, वो कौन विदेशी है कौन स्वदेशी है, अपना DNA टेस्ट करें, DNA से पता चल जाएगा कौन विदेशी है कौन स्वदेशी है। हम भारत के मूल निवासी है, हमारा जो शेड्यूल कास्ट SC OBC माइनॉरिटी है कन्वर्टेड, ये सारे भारत के मूल निवासी है, और जो लोग हम बांग्लादेशी या विदेशी बोल रहे हैं वो ओरिजिनली भारत का रहने वाला नहीं है, वो यूरेशियन ब्राह्मण है, वो थाईलैंड का रहने वाला है, ऐसा बात है, तो वो लोग अपना भाईचारा कैसे बना रखेगा, वो ब्राह्मण है हम शूद्र है, शूद्र के साथ में हमेशा ब्राह्मण का एक झगड़ा रहा है, शूद्र को हमेशा वो डोमिनेट करते रहा है, उसी कारण से हम बांग्लादेशी बन गए हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।